हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ओप्पो A11 के मॉडल नंबर का सेट है तो अगर उसमें अगर आपका चार्जिंग प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप उसको जम्पर देकर अपने प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में यही बताने वाले कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जम्पर देकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जंपर देना है। कहाँ पर? जो चार्जिंग कनेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो हमने जंपर दिया है, इसी को आपको सेम भी इसी तरीके से जंपर देना है। और आपको बैटरी कनेक्टर के किस जगह पर लगाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर जंपर अच्छे तरीके से दे लेना है। जो ये इस तरफ है, ये आपका प्लस पॉइंट है और आपको प्लस पॉइंट पर ही जंपर देना होता है। तो आपने इसको क्लियर कर लिया, आपको पहले इस पर जंपर दे लेना है। आपको इस पर जंपर देने के बाद फिर आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये बैटरी कनेक्टर के जस्ट बगल में जो पॉइंट दिख रहा है आपको, आपको यहीं पर जंपर देना है डायरेक्टली। आप अगर जैसे कि पत्ता ब्रेक होता है, कहीं से बीच लाइन ब्रेक होती है, तो आपको वहीं बैटरी चार्जिंग कनेक्टर से बैटरी कनेक्टर के इस सिरे पर आपको जंपर दे देना है। तो आपका जो वो लाइन क्लियर हो जाएगा और आपका जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। ताकि अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को